अस्सलामु अलैकुम। मैं सुल्ताना परवीन, मरवारी कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट। आज मैं बी ए सेमेस्टर 4 की क्लास लेने जा रही हूँ बच्चों, जिस पे मेरा टॉपिक है गालिब की कसीदा निगारी। आइए हम लोग देखते हैं गालिब की कसीदा निगारी में उनका क्या मकाम था। यूँ तो मिर्ज़ा गालिब की असल शोहरत व अजमत इनकी गज़लों की वजह से है। इसमें शुबा नहीं कि इनकी गज़लें दुनिया की दीगर जबानों की बेहतरीन आशिकिया शायरी के मुकाबले में रखी जा सकती है, लेकिन गालिब की शायराना अजमत सिर्फ इनकी गज़लों ही की वजह से नहीं है। इनके कसाइद भी उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। हालांकि गालिब की खुददारी और इनकी हद से बढ़ी हुई अना इनकी कसीदा निगारी की राह में हामिल थे। इन्होंने ज़्यादातर कशायर फारसी जबान में लिखे। इनके दीवान में उर्दू के सिर्फ 4 कशायर शामिल हैं। बाद में 4 और कशायर दरियाफ्त हुए, जिन्हें बाद में मिर्ज़ा के दीवान में शामिल कर दिया गया। उर्दू कशायर की तादाद में कमी से यह गुमान गुजरता है कि गालिब कसीदा गोई के लिए उर्दू शायरी के मैदान को तंग समझते थे। गालिब के 4 कशाइद में से 2 मुनकबत के हैं और बाकिया 2 बहादुर शाह जफर की शान में कहे गए। गालिब के कशाइद दूसरे शोरा के कशाइद की तरह तवील नहीं। इनका सबसे तवील कशीदा जो बहादुर शाह जफर की मदह में है, 58 अशआर पर मुश्तमिल है। गालिब कसीदे की फ़नी लवाजमात की पाबंदी करते हैं। अलबत्ता उर्दू कसीदा निगारों की तकलीद के बजाय फारसी कसीदा निगारों के कसाइद और खुद अपने ज़ौक को अपना रहनुमा बनाया। अदक मुजामईन और बईद अचकयास ख्यालात की जगह सगुफ्ता मुजामीन फ़िक्र व फ़लसफ़ा और तशउफ़ की अमेजस से कसीदा गोई को नए रंग व आहंग से रोशनास कराया। गालिब के इब्तदाई दोनों कसीदे हज़रत अली की शान में हैं। ये दोनों कसीदे इस दौर की यादगार हैं, जब गालिब शहल मुमतना के जादू से आगाह नहीं हुए थे और फारसी जबान के रंग व आहंग पर जान देते थे। चुनांचे इन कसाइद में रंग बेदल नुमाया है। तरकीब की पेचिदगी, वक्त अफरीमी और अल्फाज की वही शिकालत इन कसाइद में नज़र आती है जो फारसी कसाइद के साथ मखसूस है। अलबत्ता गालिब ने अपनी जिद्दत, फिक्र और तर्ज अदा की इमायत से इस बोझल फिजा को बारे खातिर होने से बचा लिया है। कसीदे की इब्तिदा तशबीब से हुआ करती है। कसीदा वो इसके जरिए आने वाले मौजूआत के लिए फिजा हमवार करता है। इस हिस्से में शायर को जोर ताबा दिखाना और शायराना सलाहियतों को नुमाया करने का मौका मिलता है। गालिब ने अपनी तस्बीहों में तखयल की बुलंदी और अल्फाज व तरकीब के शिकवा से अपनी तबाई इल्मी शान और अपनी इनफरादियत का सबूत पेश किया है। हज़रत अली की शान में कहे गए कसाइद में से एक कसीदे की तशबीब में बहार ये मज़मून है और दूसरे में फ़िक्र फ़लसफ़ा और रंग तशउफ गालिब है। गालिब आम तौर से गुरेज की बरहल्ले से इस फनकाराना अंदाज में नहीं गुज़र पाते जिस तरह शौदा और ज़ौक गुजरे हैं। फिर भी जेर बहस कसीदे की गुरेज तशबीब और मदह को इस तरह जोड़ती है कि दोनों मुजामीन बिल्कुल एक दूसरे में पीयूष हो जाते हैं। गुरेज के बाद मदह का नंबर आता है, यही कसीदे की रूह है। कसीदे की रूह मदह है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मदह के मुजामीन महदूद व मुकर्रर है। इन्हें महदूद मुजामीन के बयान में कसीदा निगार अपनी बुलंद ख्याली और जिद्दत फिक्र के जोहर दिखाता है और अपनी सलाहियत
और मुबालगा अफरीनी से एक समा बांध देने की कोशिश करता है। गालिब के कशाइद में तशबीब के अशार ज़्यादा और मदह के अशार कम हैं, लेकिन गालिब के फ़न का ये कमाल है कि वह चंद अशार में जोश वजूदान और अपनी फनकराना सलाहियतों से काम लेते हुए एक ऐसा असर छोड़ जाने में कामयाब हो जाते हैं जो तासीर तवील कशाइद भी देने में नाकाम रहते हैं। बहादुर शाह जफर की शान में जो दो कशाइद गालिब ने कहे हैं, इनमें भी गालिब ने कसीदे के फ़नी तकाजों को पूरा किया है। ये कशाइद गालिब ने आखिरी ज़माने में लिखे हैं, इसलिए इन कशाइद की ज़बान नहायत सादा, साफ, सलीस और आम फहम है। इन कशाइद में एक तरह की नरमी, ताजगी और शादाबी का एहसास होता है। इन कलब व लहजा कसीदे से कहीं ज़्यादा गज़ल कलब व लहजा महसूस होता है। एक कसीदे का मतलब मिलाहज हो, हामी नो सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। मतलब से ही अंदाज़ा हो जाता है कि गालिब ने कसीदे को नया रुख देने की कोशिश की है और रवायत के दायरे में रहते हुए अपनी फ़नी ज़हानत, फिनकराना बसीरत और जिद्दत पसंदी से काम लेते हुए कसीदा निगारी में खुशगवार अजाफे किए हैं। इस तरह गालिब के कसाइद तादाद में कम होने के बावजूद बकौल मौलाना अब्दुल सलाम निदवी लिखते हैं, गालिब उर्दू ज़बान व अदब के लिए माया सदनाज है। गालिब के कशाइद इनकी गज़लों की तरह जिद्दत पसंदी और निदरत ख्याल का मनबा है। इन्होंने तौल कलाम से पूरे तौर पर गुरेज किया है, अपनी जहानत से तारीफ के ऐसे पहलू तरह से जहां दूसरों के नज़र नहीं जा सकती थी। गज़ल गोई से अलग कसीदा में इन्होंने तश्कील बयान को अहमियत दी और ज़बान की शादगी, रवानी और बरगुफ्तगी की खसूसियात से अपने कसाइद की नई दुनिया आबाद की। इसे उर्दू की बदनसीबी कहना चाहिए कि गालिब ने अपने कसाइद से जिस नए लहजे की दरियाफ्त की, इसे कोई दूसरा शायर आगे नहीं बढ़ा सका। गालिब का रंग फितरी शायरी से करीब था, इसलिए भी कसीदे को जवाल से कोई रोक नहीं सका। उर्दू कसीदे की तारीख में जब भी लिखी जाएगी महज चार मुख्तसर कसाइद के बावजूद गालिब उर्दू के अहम कसीदा निगार के तौर पर हमारे लिए मुहतरम होंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक गालिब की कसीदा निगारी यहीं पे ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़।